जो शादी करे वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो। नमस्कार। साल 2014 से दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार जो भी सख्त फैसले लेती है उससे विरोधी बौखला जाती है, फिर चाहे वो तीन तलाक के खिलाफ कानून हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना हो, नागरिकता संशोधन कानून हो। सरकार के इन बड़े फैसलों का देश में जमकर विरोध हुआ, लेकिन विरोधों को दरकिनार कर मोदी सरकार आगे बढ़ती गई, कानून बनाती गई और लगातार दूसरी बार सत्ता में भी लौट आई। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बना दिया। सरकार के इस फैसले का भी संसद से लेकर सड़क तक खूब विरोध हुआ, लेकिन ये विरोधी भूल गए थे शायद कि सत्ता में मोदी सरकार है, जो एक बार ठान लेती है तो फिर वो पीछे नहीं हटती। 1 अगस्त 2019 को भी मोदी सरकार ने ऐसा ही एक फैसला लिया और तीन तलाक या तलाक की बिद्दत को कानूनी अपराध घोषित कर दिया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को बार बार तलाक के दंश से छुटकारा मिल सके। तीन तलाक, अगर आपको लगता है कि तीन तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले मामला आपके हाथ में आया था, आपको जैसा चाहिए मनाना था, करना तो था। हिंदू दो शादी करे वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो। तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? है सजा। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को पूरे 2 साल हो चुके हैं और इस खास मौके को सरकार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मना रही है। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे विरोधी बौखला गए हैं, खासकर AIMIF सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो तीन तलाक के खिलाफ बने कानून के सख्त विरोधी रही हैं। यही वजह है कि जब सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया तो सबसे पहले ओवैसी ने ही मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक चार मुद्दों को उठाते हुए कहा, सरकार आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है, मोदी मुस्लिम ख्वातीन से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं। मोदी जी 7 साल से मुस्लिम ख्वातीन अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इस दिवस के बहाने ही सही आपको इनकी बातें सुननी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में पहली तस्वीर तीन तलाक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाओं की दिखाई और मोदी सरकार से मांग की कि तीन तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून वापस ले लें। लेकिन उनकी ये डिमांड तब तक पूरी होनी मुश्किल लग रही है जब तक कम से कम मोदी सत्ता में है। ओवैसी ने JNU से लापता छात्र नजीब अहमद का मुद्दा उठाया और मांग की है कि मोदी सरकार को नजीब की मां की गुहार सुननी चाहिए। साल 2016 से लापता नजीब का अब तक पता नहीं चल सका है। नजीब की मां आज भी अपने बेटे की तस्वीर लेकर उसके लौटने का इंतजार कर रही है। ओवैसी ने मोदी सरकार से तीसरी तस्वीर जुनैद की मां की पोस्ट की। ये वही जुनैद है जिसकी साल 2017 में दिल्ली से वल्लभगढ़ जाते वक्त लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2018 में सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जुनैद की मां सायरा बानो को आज भी न्याय का इंतजार है। CAA NRC के विरोध प्रदर्शन की पोस्ट की और मोदी सरकार से डिमांड की कि इन मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनकर सरकार नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले। ऐसा लगता है मोदी सरकार उनकी ये डिमांड पूरी करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश भर में जब हिंसा फैली, विरोध प्रदर्शन हुआ, तभी सरकार वापस ले लेती। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही मोदी सरकार से असदुद्दीन ओवैसी ने इन 4 तस्वीरों को शेयर करते हुए इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे आपको बताते चले, ओवैसी भले ही तीन तलाक कानून का विरोध कर रहे हो, लेकिन इससे पहले उन्हें इन मुस्लिम महिलाओं को सुन लेना चाहिए जो लगातार मोदी सरकार को दुआएं भेज रही हैं। के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से दुआएं देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। जो मोदी जी ने मुसलमान औरतों के लिए जो लॉ पास किया है ट्रिपल तलाक का, आज और मुसलमान औरतें बड़ा ही सेफ महसूस कर रही है उस फैसले से। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। इतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन कानून का भी ओवैसी भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें इस कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह रहे उन हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता दी जाएगी जिन्हें वहां प्रताड़ित किया जाता है।
लेकिन मोदी विरोधियों की मांग है कि इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश खुद एक इस्लामिक देश है, वहां भला मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन बावजूद इसके मोदी विरोधी मुस्लिम को भी CAA में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इस मांग को दरकिनार करते हुए नागरिकता संशोधन कानून बना दिया। बहरहाल जिन चार मुद्दों को उठाकर ओवैसी ने मोदी सरकार से आवाज सुने जाने की मांग की है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हिंदू दो शादी करें वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो,